नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम लखनऊ से आज बस्ती जनपद पहुंची है। बस्ती की 311 विधानसभा सीट है, जहां पर सुभाषपा सपा पार्टी के समाजवादी और जो उनका राजपर साहब की पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, उसके प्रत्याशी मेरे साथ दूधराम जी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा जनता के बीच वो क्या क्या मुद्दे हैं जो लेकर के जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। जी, कौन से मुद्दे हैं सर आप जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं इस बार? जनता का तो सारे मुद्दा है जी। कोई चीज इसके पहले जो भाजपा की सरकार थी, इसके पहले आज भी है, कोई काम नहीं हुआ। जो आसमान पर काम हुआ है, इसमें सारे जनता जान रहे हैं। पुल पुलिया सड़क गड्ढा एकदम बिल्कुल चलने लायक नहीं, नाली के बराबर सारे सड़क हैं। बेरोजगारी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, खाने बगैर नहीं मर रहे, बेरोजगारी है। पुल पुलिया सड़क चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। ना जनता को रोजगार है, ना जनता के चलने फिरने के नए रोड है। तमाम समस्या जनता के लिए है। जनता इस मुद्दे पर अब की भाजपा सरकार को ये तैयार बैठी है, 3 तारीख दिन इंतजार कर रही है। कितने जल्दी भाजपा को बाहर भेजकर निजाम मिले। ठीक है, योगी जी कहते हैं इस बार की जो लड़ाई है वो 80-20 की है। 19.16% जो मुस्लिम वोटर है वो आपके गठबंधन के साथ है, 79.46% जो हिंदू वोटर है वो योगी आदित्यनाथ के साथ। वो उनके हिंदू और हिंदू मुस्लिम नहीं काट चलेगा, सारे समाज के सारे जात आज समाजवादी के गठबंधन के साथ में है। उनके योगी मोदी जो कर अब हो गया, जो जितना जनता को उन्होंने गुमराह किया अब जनता समझ गई। लेकिन लेकिन जब गांव में जाते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को नहीं लाए, राम को हाई सुप्रीम कोर्ट ने लाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वो भाजपा ने नहीं लाए, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया। किसानों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप ही बताइए? तानाशाह हिटलर शाही है, ये कोई प्रजातंत्र राज है? आज संविधान बाबा साहेब के संविधान अगर देश चलता है संविधान से चलता है, तानाशाही से संविधान तानाशाही से देश नहीं चलता है। आप बताइए, अगर किसान अपने कोई हिस्सेदारी के लिए अपनी मांग मनाने के लिए अगर धरना दे रहे प्रजातंत्र राज्य में, तो उन्होंने क्या किया धरना? उसके मतलब कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दीजिए, बुलडोजर चढ़वा दीजिए, गोली से बढ़ा दीजिए। दस तारीख के बाद लोगों की गर्मी उतार दी जाएगी, बुलडोजर चलेगा। ऐसा है योगी मोदी 10 तारीख के बाद खुद अपने गर्मी उतार दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।